बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अकबर साहब का नाम तो आप जानते हैं ही बाखूबी। इनकी तरफ से अभी कुछ अच्छे इकदाम सामने आते हैं, वो आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज में। अब सफीर पाकिस्तान तो नहीं रखे हैं ये सऊदी अरब, हमारे राठौर साहब आ चुके हैं, उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं, और काम भी अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर जा रहा है। अच्छा, बात जो आप सत करने लगा हूँ वो ये है जी कि अभी बिलाल अकबर साहब की तरफ से ये ट्वीट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और इसके मुतालिक आपको मैं थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ। खुद से भी बिलाल अकबर साहब भी इस बंदे की मुकम्मल डिटेल दे रखे हैं, और मैं भी आपको मुकम्मल डिटेल इस बंदे की दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कैदी भाई रहा भी हो रखे हैं सऊदी अरेबिया से। इसके पीछे मैं इसका क्रेडिट सिर्फ बिलाल अकबर साहब को ही दूंगा, और उस बंदे को दूंगा जो बंदा भाई इस ऐसे किसी भी अफर्द की मदद करता है, यानी कि बिलाल अकबर साहब की ट्वीट देखने के बाद। ठीक है, आपको पहले मैं यहाँ पर पिक्चर एक दिखाती हूँ उनकी तरफ से ट्वीट की गई है, उसके बाद बिलाल अकबर साहब ने इस बंदे के मुतल्लक कहा क्या वो भी आपको पढ़कर सुना दूंगा। सऊदी अरब में ऐसे वाकयात बहुत होते हैं, मैं 10 साल का अरसा गुजार चुका हूँ, मैंने बहुत से वाकयात देखे हैं। आपके साथ किसी फ्री टाइम में बैठकर ना लाइव आऊंगा तो फिर आपको बहुत से किस्से आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल सऊदी अरब की जेल में आपको मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ लेंगी। सऊदी अरब जेल में कैद 139वां कैदी रिहाई का मुंतजर। ठीक है, कैदी का नाम जफर अली वल्द बहादुर अली है, और सदाद नंबर है, ये एक फाइल नंबर होता है, नीचे लिखा हुआ है, मुकम्मल देख लें आप। मतलूब 8000 रियाल है इसके ऊपर, और इकामा नंबर इसका नीचे लिखा गया, यहाँ पर इकामा नंबर भी इसका दिखाया गया है, कैदी नंबर भी साथ में बता दिया गया है, और पाकिस्तान सिंध व तहसील खैरपुर गाँव जतोई सरदा गोठ कैदी 6 माह अल रियाद अस्कान वाहद। ठीक है जी, और अभी मैं ये आपको बता दिया जी, मैं इस बंदे के मुतल्लक अभी मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बिलाल अकबर साहब ने इस बंदे के मुतल्लक कही अपने कमेंट्स में, वो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, वो कमेंट भी आप देखने में आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ मैं, उसके बाद थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ इस बंदे के मुतल्लक। जफर अली का तल्लक सिंध से है, 4 साल पहले सऊदी अरेबिया आया था, चरवाहे का वीजा था, बकरियाँ चराता था, 1200 रियाल तनख्वाह थी, कफील ना ही तनख्वाह टाइम पर देता था, और ना ही पहाड़ों में कुछ खाने पीने को पहुंचाता था। तंग आकर इस बंदे ने कफील से भाग गया, यानी कि तो कफील ने इसका 8000 रियाल का मतलूब डाल दिया। हरूब के मतलब आपको इल्म है जी, कोई बंदा हरूब का मतलब भी यही होता है कि बंदा मेरे पास नहीं है, मेरे से फारक कहीं और चला गया, लेकिन मैंने इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हरूब वो होता है। हरूब वाले तो सफारा से वापस आ सकते हैं, लेकिन मतलूब अगर किसी के ऊपर डल जाए और वो बंदा बाद में कहीं भी चेक पॉइंट के ऊपर या कहीं भी दौरिया छोटा वगैरह उसको चेक करता है, उसको पकड़ ले, तो उसके ऊपर अगर 8000 का 5000 का 10 जितने भी 1000 का 1 लाख का जो भी नुकसान उसके ऊपर कफील ने लिखा हुआ है ना, वो उसको या तो भरना पड़ेगा, या कफील के साथ उसकी कोई भी बंदा उसकी भाई मुलाकात करवा सकता है, वो कफील से माजरत करके जो भी मामला अपने तय करके कफील जब उसको छोड़ेगा वो तमाम तर मामला उसके बाद ही उसको डीपोर्ट यानी कि तरहील यानी कि जेल के थ्रू पाकिस्तान या इंडिया वगैरह जहां का भी बंदा होगा उसको भेजा जाएगा। अभी ये बंदा बकरियां चराता था, इसकी सैलरी वगैरह के मतलब 1200 रियाल आपको मैंने बता दिया, वो ना तो इसको सैलरी देता, वहां से भाग गया, जाहिर सी बात है इसका इकामा भी नहीं इसको दिया होगा, कन्फर्म बात है। मैंने मक्का के पहाड़ों में देखी ऐसे चरवाहे, एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उस बंदे की, वो लड़का था पाकिस्तानी बलोची, 1000 में बकरियां चरा रहा था शराया की तरफ। तो मक्का के पहाड़ों में क्या यार, हर शहर में आप चले जाएं, खासकर ब्रीदल कसीम में ऐसे वाकयात बहुत हैं, तो आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो चरवाहे हैं, बाहर रहते हैं, बकरियां चराते हैं या सऊदियों के मजरों में चराते हैं। 1200 रियाल में ऐसे बंदों को फिर सऊदी इकामा भी नहीं देते हैं, पासपोर्ट भी देते हैं, सैलरी भी उसकी लेट की, वो बंदा भाग गया, कहीं पकड़ा गया, जेल में है अभी। तो ये बिलाल अकबर साहब की तरफ से इसको इसकी ट्वीट करने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर कोई भी साहब इस्तात बंदा जो सऊदी अरब में रहते हुए इसकी मदद करना चाहता है, अगर 8000 रियाल है जी वो इसकी मदद कर दे तो इसकी जान खलासी हो सकती है, इसको रिहाई मिल जाएगी, इससे पहले पाकिस्तान में आ जाएगा। तो ऐसे वाकयात बहुत हैं सऊदी अरेबिया में, ये तो एक भाई बिलाल अकबर साहब की तरफ से इसको ट्वीट किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही वक्त में जितने कैदी पाकिस्तानी है ना खासकर उनके ऊपर खास नजर करम होने वाली है। उसकी रीजन भी आपको बताता चाहूंगा, रमजान चल रहा है, रमजान में मुआफीनामा भी मिलता है शाही फरमान की जरिए।